आज हमारे साथ सुधीर राज सिंह जी हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि व्हाट इज कास्ट, जाति क्या है। तो सुधीर राज सिंह जी बताइए हमें। देखिए, जैसे कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर चलता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में उसका सारा हिस्सा आता है, जैसे उसका मॉनिटर है, उसका कीबोर्ड है, उसका सीपीयू है, उसकी मेमोरी है, रैम है, उसमें कैमरा लगा हुआ है या उसमें स्पीकर हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और एक अच्छा कंप्यूटर अगर सारी चीज़ भी हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी भी दे दें, तो भी वो काम नहीं करेगा अगर उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर ना हो। और सॉफ्टवेयर जो होता है उसका कोई वजन नहीं होता। ऐसे ही भगवान ने बताया कि जो शरीर चलता है उसकी दो चीज़ें हैं, एक हार्डवेयर यानी रूप, उसका शरीर, शरीर के सारे अंग, और एक उसका सॉफ्टवेयर जिससे वो चलता है, जिसे उन्होंने मन कहा। और ये जो मन का सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारी फाइलें होती हैं, बहुत सारी इसके अंदर एप्लीकेशंस होती हैं जो समय समय पर प्रकृति से बनती रहती हैं और ख़त्म होती रहती हैं, इनमें वायरसेस भी आते रहते हैं। तो ये जो मन की स्थिति है, जो मन का सॉफ्टवेयर है, उसकी एक एप्लीकेशन है जिसको जाति कहते हैं। और जाति का आप ध्यान देंगे, कोई वजन नहीं होता, कोई भौतिक चीज़ नहीं है जाति, कहीं उठा कर रख नहीं सकते, कहीं उसको छीन नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। ये आपके मन की स्थिति, मन के अंदर चलती है। एक व्यक्ति जो जाति मन में रखता है, फाइल रखता है, अगर वो भारत से, क्योंकि ये भारत में काम करती है, भारत से अगर अमेरिका चला जाए और वहाँ अमेरिका के मिस्टर सैम से जाके बात करे, तो वो अपनी जाति कितनी उसको इस्तेमाल करता हो, मगर वहाँ वो जाति नकारा निकम्मी हो जाती है, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर उसको रिसीव नहीं करेगा, वो जानता ही नहीं है कि क्या होती है जाति। इसलिए जाति का जो फिनोमेना है वो वेटलेस है, उसके अंदर कोई फिजिक्स नहीं है, उसके अंदर जितना भी है वो सारा सॉफ्टवेयर है। और जाति भारत में पाई जाती है। आप अगर विशेष ध्यान से देखेंगे और ध्यानपूर्वक अगर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जाति पुराने समय में नहीं थी। भारत में जब भारत के मूल निवासी लोग रहते थे, तब यहाँ वर्ण भी नहीं था, क्योंकि वर्ण कैसे बनेगा। वर्ण जब बना, जब भारत में बाहर से कुछ लोग आए, तो उनको कहा गया ये अवर्ण है, हमारे वर्ग के नहीं है, और हमें कहा गया हम एक वर्ग के हैं, यानी हम मूल निवासी वर्ग के हैं और वो बिना वर्ग के हैं। फिर कई वर्ण बने, उसके बाद बुद्ध ने वो सारी क्रूतियाँ ख़त्म की, और बुद्ध के समय में एक भी जाति नहीं है। बुद्ध के पूरे साहित्य में कहीं कोई जाति का नाम नहीं है। अगर वो जाति शब्द इस्तेमाल किया, जो जाति बना है, तो जाति का मतलब है जन्म, जो किसी पशु का, मनुष्य का, जानवर का, या जितनी भी जीव जो जन्म लेते हैं उनके जन्म से मतलब है, उनके जन्म होने को जाति पाली के अंदर बोलते हैं। पर कास्ट सिस्टम नहीं है, जाति का कोई तंत्र या जाति का कोई तत्व या जाति का कोई सिस्टम नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। और बुद्ध के समय के बहुत बाद के संस्कृत साहित्य में, क्योंकि संस्कृत बाद में, संस्कृत भाषा बाद में बनी, तो वो जो बाद में साहित्य बना, उस साहित्य के अंदर भी कहीं सिस्टमेटिक वे में जाति नहीं है। तो ये बात तय हो जाती है कि जाति कोई अमर चीज़ नहीं है, जाति बहुत बाद में बनी है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये दावा करता है कि जाति उसने बनाई है, वो झूठ बोलता है, क्योंकि जाति का फिनोमिना ऑटोमेटिक नेचुरल बना है। और जाति का जो फिनोमिना बना है या जाति का जो सिस्टम बना है, वो इस आधार पे बना है कि एक समूह या एक व्यक्ति को जाति के तंत्र से, सिस्टम से फ़ायदा होता है और दूसरे तंत्र को नुकसान होता है। जाति, अगर आप जाति को छुपाएंगे या जाति को बदलेंगे या जाति से घबराएंगे या जाति से परेशान होंगे, तो ये एक मनोवैज्ञानिक कंप्यूटर का फार्मूला है, ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और अगर आप उसको सिर्फ जान लेंगे, आप उसका इस्तेमाल बंद कर दीजिए, उसे मानना बंद कर दीजिए, सिर्फ आप उसको जान लीजिए, तो जाति बहुत कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाती है। तो लगातार जानते रहने से जाति का नाश हो सकता है, जल्दी हो सकता है। तो जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जाति की उत्पत्ति या जातियाँ बनती कैसे हैं, क्योंकि जितने भी भारत में अब तक लोग आए और जिन्होंने जाति के ऊपर खोज की, और जितने भी लोगों ने जाति के ऊपर
बात की, उसमें से किसी भी व्यक्ति ने आज तक यह बात नहीं खोजी कि पहली जाति कब बनी, पहली जाति बनने का फार्मूला भारत में क्या था, जाति कैसे उत्पन्न हुई। लोगों ने जातियों के बारे में डिस्कस किया, उनके परिणामों के बारे में बताया, उनके दुष्परिणामों के बारे में बताया, उनकी चर्चाएं बहुत हुई, कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, यानी हम उनकी विशेषताएं तो बता रहे हैं, उनकी उपयोगिता बता रहे हैं, उनकी अनुपयोगिता बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि देश के लिए ये नुकसानदायक हैं, देश के लिए अच्छी हैं, मगर हम इस बात को नहीं बता रहे हैं कि पहली जाति कैसे बनी। अगर आप ये समझ लेते हैं कि पहली जाति कैसे बनी है, तो फिर आपके हाथ में वो सूत्र आ जाता है कि जाति का विनाश कैसे हो सकता है, जाति कैसे ख़त्म हो सकती है, जाति कैसे वीक हो सकती है। और ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये इतना ही आसान है जितना कि थाली में रखी हुई रोटी को तोड़ के आप मुंह में रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको ये धारणा मन में बैठानी पड़ेगी कि जाति क्रिएटेड है, बनाई गई है और स्वत बनी है, तो ये ख़त्म भी स्वत होगी या ख़त्म की जाएगी, ये बात आपको बिल्कुल बैठानी पड़ेगी कि जाति अजर अमर नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो बहुत ज़्यादा इससे शोषित हो गए, क्योंकि कुछ लोगों को इसका फ़ायदा होता है और कुछ को नुकसान, तो ये बात तय है कि जिसको फ़ायदा होता है वो कभी भी जाति के समाप्ति के बारे में सोचेगा नहीं, वो हमेशा चाहेगा कि जाति प्रबल हो, मजबूत हो, क्योंकि उसका फ़ायदा उसे मिलता है। और जिसको नुकसान होता है इसका, वो हमेशा चाहेगा कि जाति ख़त्म हो। तो दो तरह के लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं, एक तो जो जाति से फ़ायदा उठा रहा है वो, अगर वो अपना फ़ायदा लेना बंद कर दे, और एक वो जो जाति से नुकसान उठा रहा है, अगर वो अपना नुकसान उठाना बंद कर दे। तो जाहिर सी बात है कि जिसको फ़ायदा हो रहा है वो तो कभी नहीं चाहेगा कि जाति समाप्त हो, तो जाति वही लोग चाहेंगे जिनको इसका नुकसान होता है, तो उनको जानना होगा। तो इसके संदर्भ में अगर आप ये देखेंगे, मैं भारत की दो प्रमुख जातियों के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे एक जाति है जो पाकिस्तान, ईरान और भारत के सभी उत्तरी दक्षिणी हिस्से, पूरे देश के अंदर मिलती है, जिसको चमार कहते हैं। चमार जाति सबसे ज़्यादा लोगों की जाति है, सबसे ज़्यादा मानी जाती है, सबसे ज़्यादा जानी जाती है। मगर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चमार शब्द न पाली में है, न संस्कृत में है, और बहुत अभी के समय में ये चमार शब्द आया है। तो चमार शब्द की उत्पत्ति क्या है, चमार की मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, अगर आप ये बात जान लेंगे तो चमार शब्द से आप भागेंगे नहीं, फिर आपको पता चल जाएगा कि चमार की उत्पत्ति कैसे है। क्योंकि कई लोगों ने इसको बदलने का प्रयास किया, इसके नाम को बदलने का प्रयास किया, मगर इसके नाम को बदलने से इसके प्रभाव को नहीं बदल पाए। कुछ लोग इससे भागे, उन्होंने दाएं बाएं इसको कहा कि ऐसी है वैसी है, उसका भी फ़ायदा उनको नहीं हो पाया। तो भागने से या छुपाने से या बदलने से ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है, मगर जानने से घटती है। कैसे घटती है, भगवान के समय तक चमार नाम था ही नहीं, पूरे पाली साहित्य में एक सिंगल शब्द भी नहीं है चमार। आज के संदर्भ में कैसा है बताते हैं कि चमार चमड़े का काम पहले के समय करते थे, वो चमड़े का काम करने वालों को चमार बोलते हैं। जबकि ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर दो काम सबसे पहले मनुष्य ने सीखे, जब आग आई, आग के बाद में जब उसमें सभ्यता आने लगी, पहला काम तो वो करता था जंगल में जाके जंगली पशु से अंडे लाना, मांस लाना, और मांस के बाद में उसकी हड्डी का इस्तेमाल करना शस्त्र के रूप में, या उसकी खाल को इस्तेमाल करना उसको बिछाने ओढ़ने के रूप में। और दूसरा काम वो करता था जंगल जाके साग सब्जी फल फ्रूट और लकड़ियाँ इकट्ठी करने का, जड़ी बूटी इकट्ठी करने का। तो इसमें जो पहला वाला काम है वो काम ज़्यादा मेहनत का होता था, क्योंकि उसमें जंगली जानवर भी मारना होता था, कई बार उसमें जान भी जाती थी। और ये जितनी ज़्यादा जो व्यक्ति खाल इकट्ठी करता था, क्योंकि जो खाल होती थी उसको पुराने समय में, बुद्ध के समय से पहले भी चीवर बोलते थे। चीवर चादर नाम नहीं था जब तक, आज हम उसको चादर बोलते हैं, तब ये चीवर नाम था। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा खाल होती थी, जितने ज़्यादा चीवर होते थे, वो उतना ही संपन्न, उतना ही इज्जतदार और इतना ही बढ़िया माना जाता था। क्योंकि ठंड के समय में खाल ही शरीर को बचाती थी, और जब आदमी ने साधना करनी शुरू की तो वो नीचे फर वाली खाल जमीन पर किसी जानवर की, जैसे शेर की या भालू की, जो उन्हें प्राप्त होती थी, उसको ओढ़ता था, उसको बिछाता था, और वहाँ बैठ के वो ऐसे करके साधना करता था। और इसी के तंबू बनते थे, और इसी का बैग बनता था, हाथ से सिल के, हड्डियों से सिल सिल के, और इसी को ओढ़ते थे। और जिस समुदाय के पास में, जिस घर के पास में जितनी ज़्यादा खालें होती थी, उतना ज़्यादा वो मालदार, रईस और इज्जतदार होता था, और वो उसको ओढ़ता भी था। फर वाली खाल को ओढ़ के बैठना बहुत शान की बात होती थी, ये बुद्ध से समय की पहले की बात है। मगर बुद्ध के समय में कपड़ा बन गया, जब कपड़ा बन गया
तो लोगों ने खाल को ओढ़ना बिछाना कम कर दिया, मगर खाल की उपयोगिता कम नहीं हुई। चमड़े के सामान से जानवरों की बेल्ट, जानवरों के घोड़ों के ऊपर के सामान, घरों के सामान, ये सारे बनते थे। तो आज के समय में भी जो रैक्सीन या प्लास्टिक का सामान बना हुआ है उससे ज़्यादा चमड़े का सामान अच्छा माना जाता है, विदेशों में इसकी और भी ज़्यादा है मांग। तो यहाँ भारत के अंदर जो लोग इस चमड़े के काम को करते थे उनको रईस संपन्न, क्योंकि वो यहाँ के मालिक थे, माना जाता था। तो कुछ लोगों ने उनके काम को बिल्कुल ही गंदा, अपमानित सा करके और एक प्रचारित करके उस काम को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि उस काम से उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत होती थी, सबसे ज़्यादा मान सम्मान था। और बुद्ध के समय में कपड़ा आ गया था, तो बुद्ध के समय में कपड़ा आने के बाद बुद्ध ने जब राजशाही कपड़े, अपने अच्छे वाले कपड़े त्यागे और सबसे पहले जो कूड़े पे बना हुआ, जो कूड़े के ढेरों पे पड़े हुए कपड़े थे उनका चीवर बनाया और उसको ओढ़ा और ज्ञान प्राप्त किया, तो चीवर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, चीवर की प्रशंसा बहुत ज़्यादा हो गई और चीवर का मान सम्मान बहुत ज़्यादा हो गया। बुद्ध ने जब जगह जगह स्कूल खोले और स्कूल खोलने के बाद जब छात्रों को पढ़ाना शुरू किया तो उनको भी उन्होंने वही चादर, वही चीवर एक जैसा टीचर के लिए और एक जैसा स्टूडेंट के लिए दिया। वो एक रंग में रखते थे, जो पेड़ की खाल थी उसमें वो रंगते थे। और चीवर की इतनी ज़्यादा इज्जत हो गई, चादर की इतनी ज़्यादा इज्जत हो गई कि अगर कहीं टंगा हुआ भी मिल जाए तो उसको लोग इज्जत दिया करते थे। और अशोक के समय तो चीवर बहुत ही उच्च अवस्था में था, क्योंकि उस समय लोग जो चीवर धारण करते थे, स्कूलों में जाते थे, वो एक दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए ऐसे भी जाते थे, और जीवन भर के लिए भी होते थे। सारा वातावरण बिल्कुल चीवर में ही था, चादर में ही था। और चीवर की ख्याति, चादर की ख्याति, क्योंकि चीवर को हम बाद में चादर कहने लगे, उसकी ख्याति आज भी बहुत ज़्यादा है। चीवर की शिक्षाएँ लोगों ने चली गई मगर उसका अनुकरण नहीं गया। जब हम चादर लपेटते हैं ऐसे तो वो चीवर की तरह होती है, उसका सम्मान होता है। किसी को हम चादर देते हैं तो इसका मतलब चीवर दे देते हैं। किसी की चादर में, अगर चीवर में दाग आ जाए, इसका मतलब वो पंचशील के नियमों को अच्छी तरह से नहीं मानता है। किसी का अगर चीवर या चादर अगर मुर्दे के ऊपर चढ़ाते हैं तो हम ये मानते हैं कि उसको सम्मान दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो स्कूल एक दिन नहीं गए, बिहार एक दिन नहीं गए, मगर चीवर की इज्जत होती थी, तो वो ऐसे चीवर डाल के अपना फोटो लगा के बैठते हैं जैसे एक बहुत ज़्यादा ज्ञानी और बहुत ज़्यादा ध्यानी लोग हैं। ऐसा करके चीवर की जो ख्याति है वो आज भी है, क्योंकि चीवर आज की चादर है। और इसी समय अशोक ने जो 84,000 किताबें पत्थर की बनवाईं और शिलालेख बनवाए, जिनको शिलालेख बोलते हैं या पत्थर किताबें, और जो ईरान से लेके बर्मा तक लगवाईं, उसमें कहीं भी चमार शब्द का जिक्र नहीं है, मगर चीर का और चीवर का जिक्र हर जगह है। तो ये चीर और चीवर और चादर, ये जब आगे बढ़नी शुरू हुई तो अचानक ये शब्द गायब हो गया और नए शब्द आने शुरू हो गए, क्योंकि ये लोग जो चीवर में पढ़ते थे और चीवर के ज्ञानी थे, चीवर को जानते थे, इनकी संख्या भारत में सर्वव्यापी थी, क्योंकि उस समय जो इन्वेड हुए थे, जो बाहर से लोग आए थे, वो तो 1% से भी कम थे और भारत के मूल निवासी 99% से भी अधिक थे। तो सारे लोग चीवरधारी थे, क्योंकि बुद्ध ने जगह जगह बिहार बना के सबको पढ़ाया और सभी चीवरधारी थे। तो ये चीवरधारी जो लोग थे, क्योंकि उस समय चादर इसका नाम नहीं था, इन्हीं में जो चीवर धारण करते थे उनको चौधरी कहा गया, इसी में चमर कहा गया, धीमर कहा गया, चीवर कहा गया, चम्मण कहा गया, चंडाल कहा गया, चूड़ा कहा गया, जितने भी शब्द चादर से संबंधित जगह जगह भाषाओं में बदलते चले गए। और चादरों के ओढ़ने का, बिछाने का एक बाद में चलन सा हो गया, ये नाम पड़ गए, चीवर खत्म हो गया और ये नाम परमानेंट हो गए, कास्ट बनते चले गए, जिनको उनके खानदान के नाम से पहचाना जाता था। तो पहली बार जो नाम पड़े वो इस तरह से पढ़ने शुरू हुए, और पाली में सारे अक्षरों का, सारे नामों का जिक्र मिलता है, मगर किसी की जाति का नहीं मिलता। जाति का इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जब भगवान ने सुनीत को दीक्षा दी और सुनीत को पढ़ाया तो कहते हैं, बताते हैं कि सुनीत भंगी था, तो भंगी तो जात थी नहीं वहाँ, क्योंकि सफाई का कोई काम बुद्ध के समय तक था ही नहीं, लोग अपनी सफाई अपने आप करते थे, ऐसा विनय पीटक में सारा रूल नियम दिया हुआ है। तो जब लोग अपनी सफाई अपने आप करते थे और सफाई का कोई व्यवसाय नहीं, सफाई का कोई काम नहीं और सफाई के नियम थे और कुछ ऐसा था ही नहीं, ना सड़क थी, ना कोई ऐसे भंडारे थे, लोग शुरू से देखते थे, तो भंगी जो आज को हम सफाई करते हैं, जो सफाई का कार्य करने वाले को हम भंगी बोलते हैं, वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दरअसल भगवान ने जब पहली बार विपसना का अभ्यास करना शुरू किया तो विपसना के अभ्यास में एक उच्चतर अवस्था आती है, एक ऊंची अवस्था आती है, जिसमें पूरा शरीर हवा में विलीन हो जाता है, हवा में घुल जाता है,
हवा में भंग हो जाता है। इसका पाली में जो जिक्र है वो है भंग अवस्था, इसको भंग ज्ञान बोलते हैं कि शरीर का एक एक आपका जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी कण हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, वो एयर में घुल गए और वो जो अवस्था होती है शरीर को जानने की और मन को जानने की वो उच्चतम अवस्था होती है। ऐसे उच्चतम अवस्था वाले को उन्होंने भंग ज्ञानी कहा गया और उस व्यक्ति को भंगी कहा गया। तो भगवान बुद्ध सबसे पहले जब ये अवस्था प्राप्त किए तब वो भंगी कहलाए, और सुनीत ने जब ये अवस्था प्राप्त की तो सुनीत भी भंगी अवस्था में कहलवाए और वो भंगी हुए। और जितने भी महान प्रचारक हुए, महान टीचर हुए, जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, क्योंकि चीवर धारण करने वाले जो लोग थे वो तो सारे थे, पर उसमें जो भंग ज्ञान प्राप्त करने वाले थे वो कम थे। तो भंग ज्ञानी की अवस्था ऊपर की अवस्था है। भंग ज्ञानी को, क्योंकि बाद में ऐसा कहा गया कि भंग शब्द का मतलब है कि जो कहीं वो यज्ञ करते थे, हमारे जानवरों को मारते थे, या भारत के जो जड़ संप्रदाय उसको ख़त्म करते थे, जानवर मार के काटते थे, तो लोग उसका विरोध करते थे, उसको भंग करते थे। या ऐसा कहते हैं कि भंग एक पौधे का नाम है, उसको खाते हैं तो उनको भंग खाने वालों को भंगी बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। प्राचीन समय में पाली के अंदर जो भंग ज्ञानी लोग हैं वो बहुत ऊंची अवस्था में हैं। इनफैक्ट जो चीवर, चमार, चम्मर, चूड़े, चंवर हैं, इनसे भी ऊंची अवस्था में वो माने गए हैं, क्योंकि वो अवस्था और उनका ज्ञान उच्चतम स्तर का था, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो इस तरह से जातियों का नाम सारी पाली भाषा में एक एक करके है। जैसे जिसको बोधि हम बोलते हैं, बोधि का ज्ञान हो जाता है, उसके वंशज जो चले आए थे वो बोधि से लोधि हो गए। जैसे लाल बेगी है, लाल बेगी का मतलब है लाल कपड़े पहनने वाला बेगमी, जिसको भिक्षु बोला करते हैं, क्योंकि भिक्षु जो होता है, टीचर जो होता है, वो लाल कपड़े पहनता है और उसको हम चीवर बोलते हैं। जैसे चौधरी का मैंने आपको बताया कि जो चीवर धारण करता है उसको चौधरी बोलते हैं। ऐसे ही जो अर्हत होता है, अर्हत का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जिसमें आपका सारा दुख दूर हो जाता है, उसको अर्हत अवस्था बोलते हैं। तो अर्हत या अरिहंत अवस्था, अरिहंत बोलते हैं जैनियों में, अर्हत या अरिहंत अवस्था के जो वंशज लोग थे, यानी जो उसके खानदान के लोग थे, क्योंकि अर्हत तो शादी करते नहीं, पर उनके जो परिवार के लोग थे उन्होंने अपने को अर्हतवंशी कहा और वो अहिर हो गए, अहिर में आने लगे। तो ऐसे करते 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 जैसे चांडाल लोग हैं, तो चंड प्रज्योत जो एक राजा थे अवंती के, बुद्धकालीन अवंती के राजा चंड प्रज्योत, चंड प्रज्योत का मतलब है, चंड का मतलब है चंट, चंट माने चतुर, चतुर और प्रज्योत माने जो प्रज्वलित होता है, जलता है। तो चंड शब्द बहुत ही कमाल का शब्द है। तो जो चंड से बने हुए लोग हैं वो चंट और चालाक होते थे, इसलिए उनको चंड, चंडिका, चंडाल ऐसे करके उनको बोला जाता है। और वो उनके गुण हैं, जो गुण उनके अंदर आए, जो वो चतुर लोग थे वो गुण उनके थे, इसलिए उनको ऐसा करके बोला गया। चूँकि उनका राज चला गया, उनकी सत्ता चली गई, राज और सत्ता जाने के बाद में वहीं उनके गुण अवगुण में परिवर्तित हो गए और वो अपनी भाषा भूल गए। पाली भाषा का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी नाम भारत में हैं गाँव के, और जितने भी नाम जो निम्न जातियाँ, जिनको छोटी जाति बोला जाता है, जिनको अपमानित जाति बोला जाता है, वो सभी अपने शौर्य की गाथाओं की कहानी बताते हैं। जैसे धानुक है, धानुक का मतलब है जो धम्म का अनुकरण करता हो, धम्म का अनुकरण करने वाले को धानुक बोला गया। जैसे पांच सील में जो वास करता है उसको बोला पंचशील वासी, यानी पासी या पासवान बोला गया। जैसे महार है, महार का मतलब है मार को हराने वाले लोग, जिन्होंने बुद्ध के समय में जो मार आई थी, ऐसी विपसना की, ऐसी साधना की कि उन्होंने मार को हराया, वो खानदान के जितने लोग हैं उनको महार बोलते हैं, वो महार हो गए। तो ये सारे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आप किसी भी भाषा में देखेंगे, सारी भाषाएं पाली प्राकृतिक से बनी हुई हैं, सभी भाषाओं में उनकी शौर्य गाथाएं लिखी पड़ी हैं, सिर्फ आपने अच्छी तरह से उनको देखना और जानना है। अगर आप देखना जानना समझ जाते हैं और देखना जानना सीख जाते हैं तो जात इतनी ही देर का काम है जितनी देर में मैंने ये चुटकी बजाई, क्यों नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, आप इसको छुपाएंगे ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, आप इससे डरेंगे ये और तेज़ी से बढ़ेगी, आप इसे बदलेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर चमारों ने कुछ ने जाटव कहा, जाटव कहने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको, जाटव कहने से सिवाय इसके, क्योंकि जो उसके गुण चले आ रहे हैं, जो उसका फिनोमिना है, जो फाइल काम करती है वो वैसे ही कर रही है। फाइल का नाम बदलने से, कंप्यूटर में आप एक फाइल है उसका नाम बदलने से उसके गुण को नहीं बदल सकते। अगर आपको उसे जानना है कि ये कैसे डिलीट हो सकती है, कैसे बनी है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, फिर वो नहीं आएगी। तो आपने उसको जानना है, मानना नहीं है। अगर आप जाति को मानेंगे तो जाति मजबूत हो जाएगी
और अगर आप जाति को जानेंगे तो जाति ऐसे गायब हो जाएगी। धन्यवाद।